गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग सुबह फिर आज कोलकाता में हो चुकी है। देख सकते हैं अजय भाई भी खड़े हैं यहीं पे। राम राम दोस्तों। तो भाई साहब अभी सुबह का हम लोग चाय पानी करने जा रहे हैं, क्योंकि चाय बिस्किट उसके बाद देखते हैं कहाँ की इनकी लोडिंग आती है, अगर कहाँ पे हमारी गाड़ी खाली होती। सही बात है, फिर यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल हमें चाय पीते हैं। ये रहा गोलू। गोलू रात में बोला जड़ा गए। चाय उठाओ, चाय भी हो। आ जाओ दोस्तों, आप लोग भी चाय का मजा ले लो। चाय तो आ जाओ भैया, ये रही चाय। अभी आप लोग चाय यहाँ बनाते हैं, चीनी कम डालते हैं ना, पर हम जब जब पिए चीनी कम है मिली में। तो दोस्तों अजय भाई तो नहाने चले गए और हमारी लोकेशन आ चुकी है, तो हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी खाली करने के लिए। बस निकलते हैं। निकला जाएगा लू? हाँ भाई चलो यार। चलते भाई, यहाँ पे पुलिस भाई बहुत परेशान करते हैं, इधर हटाओ उधर हटाओ। तो हम लोग निकलते हैं, तो देखते हैं अगर वहाँ पे लोडिंग के जहाँ अनलोडिंग करना है वहाँ पे अगर जगह होगी तो अजय भाई को फोन करके वहीं बुला लेंगे। और आज फिर दोपहर में खाना वगैरह बनेगा, देखते हैं कैसा होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई। तो भैया जी गाड़ी अपनी लग चुकी है अनलोडिंग होने के लिए, और देखते हैं कब तक खाली होती है, कब निकलने को मिलेगा। क्यों बोलो, वेट करना पड़ेगा, हो सकता है शाम तक खाली कर दें शायद। तो भाई जी दोपहर के करीब 11:30 बज चुके हैं और अपनी गाड़ी अभी खाली हो रही है, देखते हैं कब खाली होगी। तो चलिए खाना पीना खाने चलते हैं, अभी बनाया तो कुछ है नहीं, अभी शाम को देखते हैं यहाँ से निकलेगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो यहीं पे ला के कुछ बनाएंगे फिर शाम को। क्यों बोलो, चले अभी खा के आए, भूख लगी। चलो तो चलते हैं, हम लोग खाना खा के आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। चलें चलो। और गुलबा भैया बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया है भाई, तुम्हारी जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ यार। तुम्हारे साथ होने में मतलब बहुत खुश हूँ। ऐसे ऐसे दोस्त मिलवा रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ यूट्यूबर से, यूट्यूब की जो सब क्या बोलते उसको मोहित भाई, जितने दोस्त बनाए हैं ना, तो हर जगह हर इंडिया में हर जगह इसका दोस्त है, वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त लोग। चलो भाई हम लोग खाना खाने चलते हैं, ये बोलना स्टार्ट किया तो आधा घंटा ले लेगा भाई। गुटका ले लो, गुटका 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 खाइए, गुटका गुटका तुम खाओगे? खा लेंगे। तो दोस्तों हम लोग खाना वाना खा लिया मस्त से, अभी देखते हैं कब खाली होती है अपनी गाड़ी और कब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी यहाँ का व्यू कुछ दिखा देते हैं आपको, कोलकाता की क्या सीनरी है भाई। उधर ढाबा था वो दिख रहा होगा, श्री साई राजस्थानी भोजनालय। और इधर पे यार एक समस्या हमेशा बनी है जो कोलकाता वाली कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ये रोड वैसे चालू है, कोई नो एंट्री नहीं, गाड़ी भी खड़ी है सब, लेकिन हमारी जब गाड़ी आ रही थी तो हमसे लिए गए 200 रुपया। बोलू हाँ, 200 रुपया लिया कि अंदर जा रहो भाई, इसमें नो एंट्री। आप ये बताओ इतनी गाड़ी रोड पे खड़ी है, किसी के लिए नो एंट्री नहीं है और हमारी गाड़ी के लिए नो एंट्री, 200 लिया तब आने दिया। भाई हमें गाड़ी खाली करना था, देना ही पड़ेगा, मजबूरी थी। और यहाँ का व्यू देखिए क्या मस्त है, और रोड के साइड में यहाँ हरियाली मस्त रहती है, क्योंकि यहाँ पानी भरा रहता है तो हरा भरा तो रहेगा भाई। और ये मेन हाईवे है दिल्ली वाला, देख सकते हो, ये देखो यहाँ के जुगाड़, इनमें सवारी जाती है भाई। हम लोग भी इसमें बैठ के जाते हैं, साइड में बैठ के जाओ ना, साइड में पैर हिलगा के, तो डर लगता है भाई कहीं कोई आके रगड़ दे पैर टूट जाए, लेकिन भैया लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं चलाने में, देख सकते हैं यहाँ पे मजदूर लोग का गुजारा ऐसे कुछ चलता है यहाँ पे। वो देखो सब, और अपनी गाड़ी वहाँ पे खाली हो रही है जो दिख रहा है ना, वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खाली हो रही है, BDC गेट है, इसी के अंदर अपनी गाड़ी लगी है खाली होने के लिए, कुछ यहाँ पे गाड़ी खड़ी। अजय साथ में है, क्या पूछ रहे हैं? तो वहाँ से जहाँ से हम लोग लोड करके लेके आए थे वहाँ भी मस्त व्यवस्था थी, पार्क वगैरह बना था बढ़िया, गाड़ी भी मस्त जगह में लगी थी। और यहाँ भी कंपनी के अंदर तो मस्त जुगाड़ है, देखो बढ़िया से पत्थर उत्थर लगे, कोई कीचड़ मिट्टी नहीं, और मस्त इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं।
तो कुछ जगह जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो मस्त हैं, लेकिन गोलू भाई जो ऐसा जगह है जो सरकारी है उसमें प्रॉब्लम है, वो नहीं वो लोग सफाई वफाई वहाँ बिल्कुल नहीं है। बाकी जो अपना अपना बना के रखे हैं देख लो भाई एकदम क्लीन है। ये क्या चीज़ है, ये क्या आंटी? छत पे छत पड़ता है इसका है? जमीन को भी ये देखो। अच्छा अच्छा दोस्तों, देख सकते हैं हमारा शाम का खाना बनने जा रहा है और आज बनेगा शाम को अंडा। गोलू का मन था चिकन खाने का, हमको भाई शाम को दो बार चिकन खाए कल, अभी इच्छा बिल्कुल भी नहीं। हम तो एक ही बार खाए थे फिर भी इच्छा नहीं थी, पर गोलू भाई बोला था अभी भी चिकन खाना है, तो हमको भैया अंडा ले आओ, अंडा खा लेते हैं। और गोलू भी आ चुका है अपना चावल वावल ले के। कहा गोलू आ गए चावल? मालूम है इससे हमने मंगाया था कच्चा वाला चावल, जाते जाते तीन बार बोला भाई कच्चा वाला ही चावल लेके आना, फिर भी अगला पक्के वाले लेके आया। वैसे तो हम बना लेते वो अभी किसी तरह मजबूरी में, वैसे खाते नहीं पक्के वाले चावल, लेकिन फिर भी अगर हम ले ही आया था तो बना लेते, लेकिन इसको जाते जाते तीन बार हमने बोला और फिर भी कच्चे वाले लेके पक्के वाले लेके आया, इसलिए इसको भेजना पड़ा कि कम से कम अगली बार कोई सामान बोलेंगे तो याद करके जाएगा और वही लेके आएगा ताकि दोबारा गलती ना हो। सही है, अगर दोबारा चाहे 5 किलोमीटर हो जो सामान बोली गए वही आओ चाहिए। आज तो मान लो चावल थे कोई दिक्कत नहीं, खा लेते किसी भी तरह, नहीं पड़े रहते कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 किलो चावल तो थे केवल। अगली बार हम कोई वैसी सामान मंगाए जो जिसके बिना कुछ काम होना ही ना हो और ये फिर दूसरी लेके आए, फिर तो प्रॉब्लम है ना भाई। तो इसलिए आगे से सीख लो, जो मंगाया जाए वही लाओ। सुन तो रहो एकदम बगुला के ध्यान से, लेकिन कौवा वाली चतुराई से लाए भैया। भैया अपना चावल इधर देखो, नहीं अंडा, अंडा उबल रहा है इधर, उबलते ही तब तक सारी तैयारियां हम कर देते हैं, शाम का खाना बनना तैयार हुआ। और गोलू भाई बोल नहीं पा रहा आजकल, लाइव में बोलता खाली हेलो दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा खाना आज फिर बनने जा रहा है, और गोलू भाई वही काम कर रहा अपना वाला घसाई वाला, बहुत बढ़िया करता भाई ये। और अपना इधर सिस्टम सब पड़ा हुआ है, और अपना कढ़ाही में बनने जा रहे हैं अंडे, जैसे हम पहले नीचे रख के पहले बनाते थे वैसे आज भी बना रहे हैं। तो चलिए भाई बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं अंडे फ्राई हो ही रहे हैं, और हमारे अजय जिससे भी बात हो चुकी है, जो अजय कल थे ना हमारे साथ में, उनकी गाड़ी 1.5 किलोमीटर के पास में लोड हो रही, तो वो आ रहे हैं पैदल चल के, अभी बात हुई साथ में, आज शाम का खाना फिर साथ में होगा। अपना इधर पूरा मटेरियल कट के तैयार है, अंडे फ्राई करके बस फटाफट बनाते हैं, तो बस 2 मिनट का खेल है, यूं बन जाएगा भाई। मसाला निकालो गोलू भाई, मसाला देखो डब्बा में भाई, निकाल गिलास में फुलाओ बढ़िया से। और अंडे मस्त वाले फ्राई हो चुके हैं भाई, तेल वही वाला है जो था ना, वो क्या बोलते हैं सोयाबीन का, सरसों वाला भी तेल लिए नहीं आज, फिर नहीं था। देखे अजय भाई अपना चमचा और तेल, अजय भाई की गाड़ी से आया था, अभी इसी गाड़ी में रखा है, अजय भाई आ रहे हैं उनको भी दे देंगे। इसी तेल से सब्जी बन रही है अभी। तो दोस्तों भाई हमारा खाना बन ही रहा है, और अजय भाई का फोन आया अभी, भाई नहीं आ पाएंगे 2 किलोमीटर है, आने में बड़ा समय लगेगा जब तक हमारी गाड़ी हो जाएगी लोड। तो भाई क्या कर सकते हैं, हमने कहा देख लो भैया अपने हिसाब से, 5 दिन तो वैसे भी खड़े हो, पता लग गया और खड़े हो जाओ तो मजा नहीं आएगा ना, तो खाना बनना अपना। अजय भाई का तो कैंसिल हो चुका है ना, अब हम 2 लोग बना के खा के यहाँ से निकलेंगे, फिर देखेंगे कहाँ लोड होगी। वो तो देखो चदरा लगा ले रहा भाई, देख रहे हो उधर। दोस्तों हमारी अंडा कड़ी बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। निकालो चावल, निकालो ना निकालो, तुम निकालो अपने हाथ से, तो तुम कहाँ से मुँह लुकाए ले रहे क्या? वीडियो बना लियो। हाँ नहीं बहुरिया ही वीडियो बना ले, सबको देख ही ले। निकालो चावल।
तो देख सकते हमारा चावल अंडा कड़ी और चावल बन चुका है, रोटी में मेहनत पड़ती बनाने में भाई, वो नहीं बना है। निकालो बोलो। ऐसे बहुत कचर कचर लाई मैया दोस्तों, आज बड़ी शर्म लग रही काल दे। निकालो। तो कल से बहुत शर्मा रही है बसंती, पता नहीं बसंती बहुत शर्मा रही है कल से, पता ना क्या हुआ। पिंटू दादा कौन सा जादू करके गए हो कमेंट में जरूर बताना। अरे यार ये बहुत शर्मा रहा, वीडियो में आ ही नहीं रहा दादा, बताना जरूर कौन सा जादू करके गए हो। हमें तो लग रहा कोई बंगाली जादू कर दिया इसके ऊपर। वो बोलते नहीं हमारे उधर पहले बहुत बोलते थे बंगाल में जादू होता है ये वो, तो इसे कोई जादू मार दियो, हमें लग रहा कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो अजय भाई आप कहीं सा रखा हुआ है, आ जाइए आप भी, लेकिन आप तो लौट करके हो सकता है आप तक निकल चुके होंगे। अजय भाई आपका इंतजार हो रहा खाने का, और दादाजी अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो आओ खाइए, अंडा बनाए हैं आज। तो दादाजी कल चिकन रखा था, दादाजी खा के नहीं गए, कितने कमेंट आए हैं दादाजी को चिकन खिलाए नहीं, दादाजी को बहुत बार बोले उन्होंने खाया ही नहीं, पता ना क्यों। तो दोस्तों आ जाइए, अपनी अंडा कड़ी चावल बन के रेडी हैं, काफी दिन बाद ट्राई किए गाड़ी पे, मतलब दोबारा ही बनाए खाना। चावल पता नहीं कौन सा वाला है, गुरु लेके आया पर सोनम क्या नाम बताए थे, स्वाद नहीं चावल है। चावल नाम क्या बताया था वो, सोनम। कैसा बना, अंडा भी चबाना पड़ रहा दोस्तों, हमें लग रहा प्लास्टिक वाला अंडा है, सच में गोलू चबाना पड़ा था, वो लग रहा प्लास्टिक का तरीका। तला ना करा करो, तब तल जाए तो वो चमड़ा बन जाए। अच्छा गुरु जी अगली बार आपसे ही बनवाएंगे। नहीं हुआ तलत नहीं है, बस पानी में कम रखा है बोतल में, आप खाना खाइए सर प्लीज। रावण वाली हंसी हंसी का ये तो आज हमारी कॉपी किया भाई है? कैसा स्वाद अंडा खा के देखो, प्लास्टिक वाले हैं पक्का, बढ़िया है। तो दोस्तों हमारा खाना पानी हो चुका बढ़िया से, और हम लोग अभी यहाँ से निकल के बाहर रोड पे खड़े होंगे कहीं, या फिर किसी पार्किंग में लगा लेंगे। और ट्रांसपोर्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि सुबह में हमें कॉल करना, फिर हम बताएंगे लोडिंग कहाँ की है। तो चलो अभी यही चल रहा, तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।